एक बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र में अब सिगरेट और बीड़ी पर होगी बंदी। महाराष्ट्र खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। लेकिन जब लोग खुले में एक सिगरेट या बीड़ी लेते हैं तो वे यह चेतावनी नहीं देख पाते, इसलिए सरकार ने खुले में बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी के अनुसार, सरकार के इस अधिसूचना के बाद युवाओं में धूम्रपान की आदत में कमी आएगी, क्योंकि एक बार में पूरी पैकेट खरीदने में उन्हें ज़्यादा पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में 16 से 17 साल के युवाओं में स्मोकिंग की आदत सबसे ज़्यादा है। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वह पैकेट की बजाय खुली सिगरेट खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि खुली सिगरेट खरीदने वालों को कभी भी तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले ज़्यादा टैक्स की तकलीफ महसूस नहीं होती, इसलिए महाराष्ट्र में अब खुली सिगरेट बीड़ी पूरी तरीके से बंद होगी। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए विशाल गुप्ता की रिपोर्ट।